2024 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन तीसरी बार सत्ता की कुर्सी पाना चाह रहा है, तो वहीं 28 दलों वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया जी जान से जुटा है कि मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर सके। इसका सबसे बड़ा कारण यही दिया जाता रहा है कि मौजूदा सरकार देश को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही है। ऐसी ही बात अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दोबारा दोहराई है। 8 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश बड़े खतरे में पड़ जाएगा, जिसके बाद पछताने का कोई मतलब नहीं होगा। देश में एक समुदाय के गाय खाने पर उन्हें देश के दुश्मन के रूप में पेश किया जा रहा है। इस वजह से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस पर देश में विविधता को नष्ट कर इसे एक धर्म के लोगों का देश बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। विजय ने कहा, संविधान में देश के हर नागरिक को समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो, लेकिन इसे बदला जा रहा है। इसके चलते अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में डर है। विजय ने कहा, बीजेपी को एहसास हो गया है कि उसका तीसरी बार सत्ता में आना संभव नहीं हो सकता। इसी एहसास ने उसे हाल ही में कुछ खतरनाक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। देश के 4 राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जहां अलग अलग केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी कर रही है। इससे साफ है कि बीजेपी बदलती परिस्थितियों पर कैसे रिएक्शन देगी। बीजेपी से इसी तरह की और कार्रवाइयों की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये लोगों के मन को बदलने या प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता को और मजबूत करने की जरूरत है। केरल में सत्ताधारी CPIM और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने फिल्म द केरल स्टोरी के रिलीज होते ही इस पर बैन लगाने की मांग की थी। सीएम पिनाराई विजयन ने फिल्म को संघ परिवार यानी कि आरएसएस की झूट फैक्ट्री का प्रोडक्ट बताया था। उन्होंने कहा था कि इसे राज्य के खिलाफ नफरत फैलाने के मकसद से बनाया गया है। बता दें, कुछ दिन पहले ही पिनाराई विजयन ने यह भी ऐलान किया था कि CPIM अपनी स्वतंत्र छवि बनाए रखेगा। वो विपक्षी गठबंधन के साथ कॉपरेट करेगा, लेकिन इसके अंदरूनी ब्लॉक्स का सीधे तौर पर हिस्सा नहीं बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।